लद्दाख में पेंगोंगसो झील के दक्षिणी छोर पर भारत चीन के सैनिकों में फिर झड़प। चीनी सैनिकों की घुसपैठ भारतीय जवानों ने रोका। तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनयिक स्तर पर जारी बातचीत को तगड़ा झटका। भारतीय अर्थव्यवस्था 40 वर्षों में पहली बार भारी मंदी में, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। अवमानना मामले में दोषी वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 रुपया जुर्माना भरने की सजा सुनाई। 15 सितंबर तक नहीं चुकाने पर 3 महीने की होगी जेल। 40 मिलियन डॉलर ट्रांसफर करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका खारिज की। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में सीपीएम के 2 युवा कार्यकर्ताओं की हत्या, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर शक की सुई। ओडिशा मध्य प्रदेश में बाढ़ से 24 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में खतरे के निशान से 8 फीट ऊपर पहुंची नर्मदा नदी। कोरोना से मौत के मामले में मेक्सिको को पीछे छोड़ 3रा सर्वाधिक प्रभावित देश बना भारत, अब तक 64,000 से ज्यादा मौतें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम इंटरनेट यूजर्स की नकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण चर्चा में आया, लाखों यूजर्स कर रहे हैं नापसंद।